क्योंकि इस वक्त कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो कैप्टेंसी पर फिलहाल आप ही का हक है। निमृत, आप एक्टिविटी एरिया में आए और कुर्सी के नीचे बने खांचे में बैठ जाएं। आपके करीब कुछ एनवेलप्स रखे हैं, हर एनवेलप में राशन के कुछ आइटम्स लिखे हैं। कोई भी दो एनवेलप्स उठा ले और उनमें क्या लिखा है वो बताएं। या तो उस बंदे को चुनो या राशन चुनो। याद रखिएगा, यही आपका इस हफ्ते का राशन कमाने का मौका है। बिग बॉस, मैं फिलहाल कोई भी राशन नहीं लूंगी और मैं शिव को इसी कुर्सी पे बैठे देखना चाहती हूँ। निमृत जी, क्योंकि आपने राशन नहीं चुना है, इसलिए आपके पास जो एनवेलप्स हैं उन्हें फाड़ दें और आप एक्टिविटी एरिया से बाहर आ जाएं। जी बिग बॉस। बिकॉज़ मैं तो उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या नहीं एक्सपेक्ट किया था? कि मैं राशन जाने दूंगी, कि तू शिव को नहीं बैठने देगी उस पर। मैं क्यों नहीं बैठने दूंगी, मुझे एक चीज़ बता। क्योंकि आई थॉट अगर वो नहीं बैठेगा तो हमने से किसी और को मौका मिलेगा। तुझे क्या लगता है कि इसके बाद जो लोग नीचे जाएंगे वो उसको बैठने देंगे? व्हाई आर यू एक्टिंग एज इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग? इट इज नॉट रॉन्ग। आई इट्स नॉट रॉन्ग, बट शिव के लिए वो करेगी, मुझे नहीं लगा। ब्रो, चूज टीना और राशन, यू चूज हु? व्हिच? राशन। रियली? या ऑफ कोर्स। रियली? या बिकॉज टू बी अराउंड टीना आई नीड फूड। अरे यार। एमसी स्टैन। जी बिग बॉस, अब वक्त है आपका फैसला जानने का। मैं ये राशन लेना चाहता और शिव को कैप्टेंसी के कुर्सी से उतरना चाहता। सैड ट्रूथ बट यस। ये दबागे। ओ, इस सीजन में घर के राशन में कुछ तो बहुत खास बात है, क्योंकि उसे खाकर आपकी जो बुद्धिमत्ता बाहर निकलती है उससे मैं चकाचौंध हो जाता हूं। घर में कैप्टन किसी को नहीं बनना है, लेकिन एक्टिविटी एरिया के बाहर लाइन ऐसे लगाई है जैसे अंदर मैं लॉटरी के टिकट बेच रहा हूं। शिव, आप तो पहले ही लॉटरी हार चुके हैं, आप अंदर जा भी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। बाकी घर वालों के लिए क्या ही कहूं, बस इस झूठी रेस के लिए खुद को तोड़िएगा मत। खामखा शालीन के आदरणीय डॉक्टर के लिए काम बढ़ जाएगा। कम ऑन गौतम, जाओ 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 गौतम, गो बो, गो फॉर इट गौतम। नेक्स्ट बार ट्राई करूंगी फिर से आगे। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे और शनिवार रविवार रात 9:30 बजे कॉलर्स पर।